नमस्कार, आप देख रहे हैं सन्मार्ग लाइव, मैं अमन कुमार। बिहार में अपराध घटने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन हत्या, मर्डर, रेप और मॉब लिंचिंग, ये सभी चीज़ों की खबरें आए दिन देखी जा रही है। और अभी अभी पटना के राजधानी में बड़ी खबर ये आ रही है कि इनकम टैक्स कार्यालय में काम कर रही महिला के साथ 3.5 लाख रुपये की लूट कर दी गई है। अपराधियों ने दिन दहाड़े 3.5 लाख रुपये छीन कर निकल गए। अपराधी बाइक सवार थे, बाइक से आए और लूट को अंजाम दे दी। और आपको सबसे बड़ी बात ये बता देता हूँ कि जहाँ पे ये लूट की गई है वहाँ पे बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज के कार्यालय भी हैं। अब देखना ये है कि पुलिस इस मामले को किस तरीके से लेती है और क्या कुछ है इस पूरे घटना की रिपोर्ट, आइए देखते हैं। राजधानी पटना में एक्टिव शातिर बदमाशों ने एक महिला के हाथ से उसके 3.5 लाख रुपये झपट लिए। कैश झपटने के बाद बाइक सवार अपराधी काफी तेजी से फरार हो गए। दिन दहाड़े कैश झपटने का ये मामला पटना के इनकम टैक्स गोलंबर इलाके का है। जिस महिला के साथ ये वारदात हुई है वो इनकम टैक्स ऑफिस में कैंटीन की स्टाफ बताई जाती है। महिला का नाम चुनचुन देवी बताया जाता है। बताया जाता है कि चुनचुन देवी बोरिंग रोड स्थित एक बैंक से अपने पति और बच्चे के साथ कैश निकालने गई थी। बैंक से उसने 3.5 लाख रुपया निकाले। रुपया लेकर वो ऑटो में बैठी और बोरिंग रोड से इनकम टैक्स के लिए रवाना हुई। इनकम टैक्स गोलंबर पर पहुंचते ही महिला जैसे ऑटो से बाहर निकलने लगी कि उसी समय बाइक सवार अपराधी ने महिला के हाथ से उनका बैग छीनकर फरार हो गया। बताया जाता है कि महिला के बैग में 3.5 लाख रुपया था। इस घटना से महिला के होश उड़ गए। महिला बीच रोड पर चीखती चिल्लाती रही लेकिन उसके बाद भी किसी ने उसका मदद करने का नहीं सोचा। घटना के बाद महिला ने कोतवाली थाना की पुलिस को इसकी जानकारी दी। कोतवाली थाना की पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। साथ ही इनकम टैक्स गोलंबर पर लगे CCTV कैमरे की फुटेज को खंगालने में पुलिस लगी हुई है। कोतवाली पुलिस को कोड गैंग के अपराधियों पर इस वारदात को अंजाम देने का शक है। अच्छा, यहीं के स्टाफ हैं आप? तो कहीं ना कहीं आप ये देख सकते हैं कि अपराधी अपराध कर रहे हैं, पुलिस को पूरी तरह से खुलेआम चुनौती दे रहे हैं कि अगर आप पकड़ सकते हो तो पकड़ लो, हम तो घटना को अंजाम देंगे ही देंगे। और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन इसमें लापरवाही भी देखी जा रही है पुलिस प्रशासन से, क्योंकि घटना आए दिन अपराधी कर रहे हैं। आप थोड़ी दिन पहले भी एक खबर आई थी कि पेट्रोल पंप से भी पैसे लूटे गए, अभी दिन दहाड़े महिला के साथ लूट कर ली गई। तो पुलिस क्या कर रही है इस पे देखना ये होगा, पुलिस ध्यान दे रही है या नहीं, अपराधी क्यों इस तरीके से इन सभी चीज़ों को वारदात कर रहे हैं, काम को अंजाम दे रहे हैं। चोरी छीन छोरी आए दिन देखी जा रही है और वो भी अब दिन दहाड़े जहाँ पर बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज के दफ्तर है वहाँ पे ये चोरी की जा रही है, छीन छोरी की जा रही है। तो अब देखना ये है कि पुलिस कितनी जल्दी इन अपराधियों को पकड़ती है और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाती है। कैमरा पर्सन अजय के साथ मैं अमन कुमार, सन्मार्ग लाइव पटना। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू होते रहें। नमस्कार।